अखिल भारतीय बेरवा महासभा बूंदी के द्वारा आयोजित इस विशाल सामूहिक सम्मेलन में हमारे बीच में बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, सीएल प्रेमी जी, इस महासभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बेरवा साहब, मोहनलाल जी बेरवा साहब, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण और समाज के सभी बंधुवर, माता और बहने जो आज इस शुभ मांगलिक अवसर पर वर वधु को बधाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का हमारा आध्यात्मिक धार्मिक महत्वपूर्ण दिन है और बुद्ध पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध जी ने आज के दिन ही उनको महा परिनिर्वाण हुआ था और इसीलिए हम जब महात्मा बुद्ध के जीवन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और भगवान महाबुद्ध केवल भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में, मैं जब जाता हूं तो वहां महात्मा बुद्ध को मानते हैं। उन्होंने एक ऐसा विचार समाज को दिया, ऐसा ज्ञान समाज को दिया कि आज भी विश्व के अंदर महात्मा बुद्ध के दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आता है। उन्होंने सत्य के साथ साथ सब समाजों को एक साथ करने का काम किया, सबको एक साथ परिवार को जोड़ने का काम किया और उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन के अंदर किस तरीके से एक दूसरे के सहयोग से हम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी महात्मा बुद्ध जी के विचार, उनके दिए गए आदर्श ज्ञान हम सबको आज भी मार्गदर्शन का काम करते हैं। उन्होंने हमेशा सभी समाजों, देश के सभी लोगों के बीच में सौहार्द और सम्मार्ग चलने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो दुनिया के अधिकतम देशों के अधिकतम लोगों ने माना और इसीलिए उनका मार्ग एक न अत्यधिक उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि धर्म के साथ साथ कुछ कुर्तियां भी आ गई थी समाज के अंदर और उस समय एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जहां सब अपने अपने धर्म की पालन करें लेकिन समाजों में सद्भावना बनी रहे और इसीलिए भगवान बुद्ध के विचार दुनिया में फैले और दुनिया के कई देशों के अंदर तो महात्मा बुद्ध के विचार ही चलते हैं। ऐसे देश में कई देशों के अंदर गया तो मेरे को पाया, उनके भिक्षुओं ने इस धर्म को ले जाने के लिए कठिन तपस्या की, परिश्रम किया और उस परिस्थिति में उनको कष्ट भी भोगना पड़ा लेकिन महात्मा बुद्ध के विचारों को वह लेके गए और इसलिए आज का दिन विशेष रूप से वर वधु के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका ये मांगलिक विवाह समारोह संपन्न हो रहा है। बेरवा समाज एक ऐसा समाज है जो मेहनत का समाज है, जो अपनी मेहनत पे कठिन परिश्रम पर जहां भी जाता है अपना स्थान बनाता है। मैं दिल्ली में कई बार जब जाता हूं तो देखता हूं कि दिल्ली के अंदर निर्माण कार्य के अंदर आज सबसे ज्यादा है तो बेरवा समाज के लोग,
जहां भी जाते हैं अपने कठिन परिश्रम के कारण, मेहनत के कारण, ईमानदारी के कारण, समर्पण और सेवा के कारण उनका विशेष स्थान है और इसीलिए देरवा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो संविधान बनाते समय जिन बातों को लेकर उन्होंने समाज में संघर्ष किया, आजादी के पहले उन्होंने और उन्होंने उनकी महिलाओं पति ने एक महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्ष किया, समाज के अंदर शिक्षा पहुंचे, शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उनका लगातार प्रयास रहा और आज जो कुछ भी आजादी के 75 वर्षों के अंदर परिवर्तन हुए उसमें बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हमें आज शादी के दिन यही संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर चलें, शिक्षा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां जहां शिक्षा पहुंची वहां वहां समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुआ है। समाज में अगर हमें आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाना है, समाज के अंदर नया दर्शन देना है तो शिक्षा पहुंचानी पड़ेगी और शिक्षा पहुंचाने के लिए हमें सामाजिक कुर्तियों को समाप्त करना पड़ेगा, नया सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। और जो परिवर्तन करता है कुछ समाज के लोग उनके खिलाफ होते हैं, लेकिन ये सामूहिक विवाह सम्मेलन भी इसी तरीके का परिवर्तन है कि समाज के अंदर कम खर्चे के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के दिन सारे समाज के साक्षी के अंदर विवाह समारोह, इससे शुभ काम क्या हो सकता है? आप अकेले शादी करोगे तो धन भी खर्च होगा, यही धन अपने बच्चे बच्चियों की पढ़ाई के लिए खर्च हो, उनको रोजगार के लिए खर्च हो। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अगर उसके पास ज्यादा धन है तो समाज के उन तबकों के अंदर जो अभाव में वंचित है उन लोगों के जीवन परिवर्तन में लगाए। ये तो समाज में परिवर्तन का दिशा परिवर्तन करनी पड़ेगी। और मेरा बार बार आप लोगों से ये आग्रह है कि हमें समाज के अंतिम पड़ाव में बैठे व्यक्ति की जिंदगी को बदलना है तो शिक्षा और हुनर के साथ उसकी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। हम अगर खेती करते हैं तो खेती कम खेती के अंदर ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा पैसे कमाई हो, वो हम अन्य समाज जैसे माली समाज है उससे समझे कि कैसे कहते छोटी छोटी बावड़ी के अंदर दिन भर मेहनत करें। तो समाज के अंदर चाहे एग्रीकल्चर का हो, बिजनेस का हो, इंडस्ट्रीज का हो, कोई भी सेक्टर हो, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके लिए परिवर्तन करने रहना चाहिए। ऐसे सीएल प्रेमी साहब इस काम में लगे रहते हैं समाज की, जब भी मुझसे आते हैं समाज की बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। फौजी साहब भी मुझे कई बार मिले हैं लेकिन आधे आधे कागज से मिलते हैं। मैंने कहा पूरे कागज लेके आओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो आवश्यकता होगी समाज के साथ 24 घंटे खड़ा हूं। कोई भी बेटा बेटी कहीं भी पढ़ना चाहता हो, कोटा पढ़ना चाहता हो, जयपुर पढ़ना चाहता हो, दिल्ली में पढ़ना चाहता हो, उसकी योग्यता है लेकिन धन नहीं है तो मैं आपके साथ पढ़ा। कोई व्यक्ति का इलाज कराना है, धन नहीं है, कमी है धन की, लेकिन गंभीर बीमारी है, दिल्ली के अंदर इलाज करना है, जयपुर में इलाज करना है, कोटा में इलाज में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। समाज के साथ हमेशा खड़ा हूं मैं, लेकिन समाज में सामूहिकता के साथ काम करके हमें उस अंतिम पड़ाव पर जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए हमको सामूहिकता के साथ काम करना होगा। आप सबको सामूहिकवाद सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।